और बॉलीवुड की लड़ाइयाँ। कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड में हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मसालेदार हमें मिलता ही रहता है। जी हाँ, बॉलीवुड गलियारा एक ऐसा जगह है जहाँ पर जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो उतनी कम है। बता दें आपको, अक्सर लड़ाइयाँ हमने देखी है, लेकिन बॉलीवुड की कैट फाइट इसे कौन भूल सकता है। जी हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं करीना कपूर और बोल्डनेस की दुकान बिपाशा बसु की एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी जिसकी वजह से करीना ने बिपाशा को मार दिया था, भरे सेट पर सबके सामने चांटा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो करीना ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके बाद करीना कपूर काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई। आपको बता दें, कहते हैं करीना अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को लेकर काफी इनसिक्योर है, और ये हमें बिपाशा बसु से ही पता चला। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। बिपाशा बसु ने अपनी एक्टिंग और अपने बोल्डनेस की वजह से बॉलीवुड में एक अलग ही जगह बनाई। उन्होंने ओमकारा, रेस, धूम और बरसात जैसी कई हिट फिल्में दी। एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म अलोन में नजर आई थी, जिसमें उनके अपोजिट पति करण सिंह ग्रोवर थे। वहीं मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफर तय करने वाली बिपाशा, आपको बता दें पूरे 42 इयर्स की हो चुकी हैं। वहीं साल 2001 में फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली बिपाशा ने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए उन्होंने दोस्ती और दुश्मनी दोनों से गुजरना पड़ा। दुश्मनी की बात करें तो एक वक्त था जब बिपाशा और करीना एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। आलम यह था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने तक को मना कर दिया था। बता दें फिल्म अजनबी में करीना कपूर और बिपाशा बसु दोनों को ही कास्ट किया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद करीना ने बिपाशा को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच कोल्ड वॉर काफी साल तक चली। वहीं फिल्म के रिलीज से पहले तक दोनों काफी सुर्खियों में रही थी। यही नहीं, करीना और बिपाशा अक्सर इंटरव्यू में एक दूसरे पर ताना भी कसती रहती थी। वहीं आपको बता दें, करीना कपूर खान और बिपाशा बसु के बीच लड़ाई की वजह डिजाइनर विक्रम फडणीस को बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिपाशा बसु की ड्रेस को लेकर विक्रम फडणीस ने बिना करीना की सहमति से उनकी मदद कर दी थी, जिसे लेकर करीना काफी गुस्सा हो गई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाद में करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली कह दिया था। वहीं इस बात को लेकर बिपाशा ने 2001 में फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, मुझे लगता है कि करीना ने तिल का ताड़ बना दिया था, मुझे उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उन्हें डिजाइनर के साथ समस्या थी। इस मामले में मुझे क्यों खींचा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी बचकाना था। उन्होंने आगे कहा कि वो कभी भी उनके साथ काम नहीं करना चाहती। वहीं करीना और बिपाशा की लड़ाई करीबन 7 साल तक चली। यही नहीं, उनके बीच की कोल्ड वॉर और कॉफी विद करण तक पहुंच गई थी। बता दें कि कॉफी विद करण में करीना ने उस वक्त बिपाशा के बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम पर कमेंट करते हुए एक्सप्रेशन लेस बताया था, जिसके बाद बिपाशा ने भी पलट कर वार करते हुए उन्हें जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन वाली एक्ट्रेस बताया था। दोनों के बीच लड़ाई लगभग 7 साल तक चली थी। हालांकि बाद में बिपाशा सैफ अली खान के साथ फिल्म रेस में नजर आई थी। बता दें साल 2008 में बिपाशा ने फिल्म रेस में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान नजर आए थे। सैफ ने ही बिपाशा और करीना की दोस्ती फिर से करवाई थी। दरअसल सैफ अली खान के जन्मदिन की पार्टी में करीना ने खुद बिपाशा को इनवाइट किया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती एक बार फिर से हो सकी। इस पार्टी के बाद से करीना और बिपाशा एक दूसरे से दोस्ताना अंदाज में मिलती हैं
और एक दूसरे के साथ काफी अच्छी भी है। वहीं आपको बता दें, करीना की फाइट से बिपाशा के साथ नहीं बल्कि प्रियंका के साथ भी काफी मशहूर हुई थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर ने एतराज फिल्म में साथ में काम किया। फिल्म काफी बोल्ड साबित हुई जिसके बाद लोगों को फिल्म काफी पसंद भी आई। इस फिल्म में प्रियंका का किरदार थोड़ा ग्रे शेड वाला था जबकि करीना ने अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार निभाया था। इसके बाद शायद दोनों में बात बन भी जाती लेकिन एक चैट शो में करीना ने प्रियंका को लेकर जो कहा उसने दोनों के बीच आई दूरियों को और भी बढ़ाने का काम कर दिया। दरअसल करीना ने कॉफी विद करण में प्रियंका चोपड़ा के एक्सेंट पर भी सवाल उठा दिया था। करीना ने कहा था कि प्रियंका इतना बनावटी एक्सेंट लाती कहां से है, लेकिन ग्रे शेड रोल होने के बावजूद प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए काफी सराहा गया और उन्हें करीना से ज्यादा तारीफ मिली। इसके बाद ही दोनों के बीच हल्की सी सही दूरी जरूर आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीना को प्रियंका की इतनी तारीफ हजम नहीं हुई जबकि वो फिल्म में लीड रोल में थी। बता दें हालांकि प्रियंका निक जॉन्स के साथ रिलेशन के बाद कॉफी विद करण में करीना कपूर के साथ ही पहुंची थी, जहां भी बातों ही बातों में कई बार एक दूसरे पर कमेंट करती नजर आई थी। वहीं प्रियंका और करीना कपूर दोनों ने ही नई सदी में बॉलीवुड में कदम रखा था और आज दोनों ने खुद को अपनी अपनी जगह साबित कर दिया है। जहां करीना कपूर जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस बन चुकी हैं तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमा ली है। हालांकि बाद में प्रियंका ने भी इस पर करारा जवाब दिया था। कॉफी विद करण के शो में प्रियंका ने कहा कि जहां से करीना के लवर यानी सैफ अली खान ये एक्शन लाते हैं वहीं से वो भी लाती है, लेकिन उसी दिन से दोनों के बीच खाई और बढ़ गई और आज तक बड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे को कुछ खासा पसंद नहीं करते हैं। वहीं करीना को बिल्कुल भी हजम नहीं होता कि किसी भी एक्ट्रेस की उनसे ज्यादा तारीफ की जाए, ये तो हमने कई बार देखा है। करीना अक्सर मुंह फट है और लोगों को ताना कसती हुई नजर आती रहती हैं। जी हाँ, बिपाशा बसु, भले ही करीना और बिपाशा के बीच में अब सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मिलना भी नहीं होता, लेकिन वो दौर अलग था जब दोनों एक दूसरे को देख के भी राजी नहीं थे। वही आपको बता दें, करीना कपूर एक ऐसी अभिनेत्री है जिसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपनी कोस्टार अभिनेत्रियों से ही हुई है। जी हाँ, करीना को हमेशा लाइमलाइट और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बचपन से ही पसंद है। वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनसे बेहतर कोई है और बिपाशा को उन्होंने इसलिए ही शायद बर्दाश्त नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं जब करीना की किसी अभिनेत्री से अपनी कोस्टार से लड़ाई हुई हो। उसी लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी टॉप में है। आपको बता दें कि भले ही करीना कपूर उस फिल्म में लीड रोल में हो लेकिन प्रियंका चोपड़ा को ज्यादा पसंद किया गया था, जो बात करीना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और इसी के चलते उन्होंने प्रियंका के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दिया और फिर प्रियंका भी पीछे नहीं हटी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।